गैस अपने पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर की सीरीज़ में मैंने आप लोग को इनहेरिटेंस के बारे में बताया था इससे पहले, और सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताया था, और मैंने आप लोगों को बताया था कि इनहेरिटेंस क्यों की जाती है और फ़ायदा क्या होता है और किस तरह हम एक क्लास के सारे मेथड्स और उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को एक दूसरी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोगों ने एक एम्प्लॉई नामक क्लास बनाई थी, उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोग्रामर नामक क्लास बनाई थी, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट्स बनाए थे उसके। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक नई यहाँ पर सबसे पहले पाइथन फाइल बना लूँगा, उसका नाम मैं रखूँगा ओप्स 8 डॉट पाई। ये जो ओप्स 8 है इसमें 8 कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता क्या है, मैं बस नंबर देता जा रहा हूँ ताकि फाइल जो है ऑर्गेनाइज रहे। मैं सारा का सारा कोड बाय द वे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। मैंने सारा जो पुरानी वाली फाइल का कोड था वो सब कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है। हमने यहाँ पर एम्प्लॉई नाम की क्लास बनाई थी, हमने यहाँ पर प्रोग्रामर नाम की क्लास बनाई थी। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ प्रोग्राम को, मैं प्रोग्रामर नाम की क्लास मिटा देता हूँ यहाँ पर, प्रोग्रामर नाम की क्लास मैं एकदम ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ से। और अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉई और मेरे पास दो मेथड्स हैं, मेरे पास दो उसके इंस्टेंसेज हैं, सॉरी मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक हैरी और रोहन। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक प्लेयर नाम की क्लास बनाऊँगा। कोई बंदा अगर एम्प्लॉई है तो वो पार्ट टाइम प्लेयर भी तो हो सकता है, कोई हो सकता है कि एम्प्लॉई हो किसी कंपनी का, उसके बाद टेनिस खेलता हो और टेनिस बहुत अच्छा खेलता हो। तो अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ कि कोई एम्प्लॉई है और वो प्लेयर है, ऐसा मैंने क्यों बोला। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले प्लेयर नाम की क्लास बनाता हूँ। अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो एम्प्लॉई होगा, लेकिन अगर कोई प्लेयर है तब क्या होगा मैं यहाँ पर बताऊँगा। मैं इनहेरिट नहीं कर रहा हूँ प्लेयर को एम्प्लॉई से, बाय द वे मैं आप लोग को बता दूँ, मैं एक अलग क्लास बना रहा हूँ एकदम अलग प्लेयर नाम की। अगर कोई प्लेयर है तो उसका होगा गेम, तो मैं एक काम करूँगा कि नंबर ऑफ़ गेम्स अलाउड कर देता हूँ मैं। मान लो कोई प्लेयर है तो वो एक क्लब में नंबर ऑफ़ गेम्स कितने खेल सकता है, 4 खेल सकता है, सिर्फ इससे ज़्यादा अगर हो खेलेगा वो तो हम नहीं मानेंगे। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर डेफ अंडरस्कोर इनेट, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम इज़ इक्वल टू नेम, और हो सकता है वो नेम नाम का एक आर्ग्यूमेंट लेता हो, और उसके बाद जो है गेम नाम का एक आर्ग्यूमेंट लेता हो, और मैं यहाँ पर लिख दूँ सेल्फ डॉट गेम इज इक्वल टू गेम, और गेम एक लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने उसको दो जो एट्रीब्यूट्स थे वो दे दिए। इसके बाद उसमें एक फंक्शन हो सकता है, वो फंक्शन क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है उसके बारे में। मान लो मैं उसकी प्रिंट डिटेल्स करना चाहता हूँ, मान लो मैं लिखूँ प्रिंट डिटेल्स, और मैं उसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा, एक काम करता हूँ यार, मैं ये एफ स्ट्रिंग को कॉपी कर लेता हूँ। मुझे पता है कि कॉपी पेस्ट करना जो है आजकल की दुनिया में पाप माना जाता है, लेकिन मैं अपने ही प्रोग्राम से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने सेल्फ डॉट नेम लिखा, उसके बाद सेल्फ डॉट गेम इज लिख दूंगा यहाँ पर, सेल्फ डॉट गेम मैं लिखूँगा, गेम इज सेल्फ डॉट गेम, मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट गेम लिख देता हूँ। एंड रोल इज, यहाँ पर रोल तो है ही नहीं, तो मैं अभी सिर्फ इतना करूँगा, अभी प्लेयर नाम की क्लास बनाऊँगा। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा शुभम इज इक्वल टू, और वो एक प्लेयर है, शुभम एक प्लेयर है, और प्लेयर है और वो क्या क्या ले रहा है, नेम ले रहा है एक तो जो BHAM, और उसके बाद क्या हो रहा है, शुभम एक तो ले रहा है एक आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट वो क्या ले रहा है, गेम ले रहा है। तो मान लो मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ उसको, और मैंने दे दिया क्रिकेट, दे देते हैं यार क्रिकेट के लिए जो है लोग ज़्यादा दीवाने होते हैं इसलिए क्रिकेट दे देते हैं, और फुटबॉल भी खेलते हैं आजकल तो लोग, एनीवेज गेम से कुछ नहीं होता है। अब मैंने दो क्लास बनाई, एक प्लेयर बनाया एक एम्प्लॉई बनाई। अब मैं क्या करूँगा, एक कूल प्रोग्रामर नाम की क्लास बनाऊँगा। अब ये कूल प्रोग्रामर कौन है भैया, कूल प्रोग्रामर एक ऐसा इंसान है जो कि एम्प्लॉई भी है प्रोग्रामर भी है, और मैं इसको प्रोग्रामर क्यों बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मुझे कूल एम्प्लॉई बोलना चाहिए इनफैक्ट। तो चलो कूल एम्प्लॉई नाम की क्लास बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक क्लास लिखूँगा और मैं लिखूँगा कूल एम्प्लॉई। अब ये कूल एम्प्लॉई के पास क्या है, एक तो सारे के सारे प्लेयर्स से ये जितना भी लेकर आएगा वो है, और मैं काम करता हूँ कूल प्रोग्रामर लिखता हूँ यहाँ पर, मैं कूल एम्प्लॉई नहीं, मैं कूल प्रोग्रामर लिखता हूँ। मैं बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, प्रोग्रामर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रोग्रामर एक एम्प्लॉई भी है एक प्लेयर भी है। अगर कोई एम्प्लॉई है प्लेयर है और प्रोग्रामर भी है तब मैं कहता हूँ कि मैं कूल प्रोग्रामर उसको नाम दूंगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ पर लिखूँगा एम्प्लॉई, उसके बाद मैं क्या लिखूँगा प्लेयर। अब आप लोग पूछेंगे क्या ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, मैं पहले प्लेयर लिखूँ या एम्प्लॉई लिखूँ, जी हाँ बिल्कुल ही ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अभी थोड़ी देर बाद प्रूव करने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, कूल प्रोग्रामर नाम की क्लास बना लेता हूँ सबसे पहले, और कूल प्रोग्रामर नाम की क्लास बनाने के बाद मैं क्या करूँगा, सिर्फ अभी पास लिख देता हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ पास लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या करूँगा, मैं करण को बना दूंगा कूल एम्प्लॉई। तो मैं क्या करूँगा, लिखूँगा कूल एम्प्लॉई नहीं सॉरी प्रोग्रामर, और कूल प्रोग्रामर क्योंकि कुछ नहीं ले रहा है अंदर अपने, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ रन करता हूँ सबसे पहले, मैंने इंसर्ट दबा दिया कीबोर्ड में गलती से, कोई बात नहीं, रन करता हूँ सबसे पहले। मैं इसको रन करूँगा तो ये कह रहा है कि यार तुमने नेम सैलरी और रोल तो दिया ही नहीं, अब इसने ये क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ।
मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा था, मैंने लिखा था सबसे पहले एम्प्लॉई, फिर लिखा था प्लेयर। जब भी मैं एक क्लास को इनहेरिट करता हूँ दो क्लासेस से, यानी कि मैं कूल प्रोग्रामर को इनहेरिट कर रहा हूँ इम्प्लॉई से और प्लेयर से, तो क्या करेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर को कहाँ ढूंढेगा, इम्प्लॉई में ढूंढेगा, क्योंकि मैंने इम्प्लॉई को पहले लिखा है। तो यहाँ पर जब मैंने करण बनाया तब कूल प्रोग्रामर को वो यहाँ पर लेकर जाएगा, वो कहेगा इनिट मैं यहाँ से इनिशियलाइज़ कर दूँ कूल प्रोग्रामर को, तो वो नेम सैलरी और रोल मांगेगा। अब मैं अगर इसको नेम सैलरी और रोल दे दूँ, यानी कि मैं यहाँ पर लिख दूँ नेम, यानी कि करण लिख दूँ यहाँ पर, और इसके बाद करण की सैलरी, क्योंकि यार वो इतना कूल प्रोग्रामर है तो बहुत ज़्यादा कर देते हैं सैलरी उसकी, और वो क्या है कूल प्रोग लिख देता हूँ सिर्फ, बहुत आलसी हूँ यार मैं, मुझसे फालतू टाइप नहीं किया जाता, चलो पूरा कर देता हूँ कहीं करण बुरा मान जाए। अब मैं इसको रन करूँगा तो ऑब्वियस ही बात है यार कि ये एरर नहीं देगा, और मैं इसके बाद जो है इसके जो फंक्शंस हैं सब यूज़ कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर जो है जो प्लेयर में जो फंक्शंस थे वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, और मैं इसको जो है सब कुछ कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, जो मैं करता था अपने पुराने ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि एम्प्लॉय वाला ऑब्जेक्ट था, प्लेयर वाला ऑब्जेक्ट था, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ जो मैं करता था, मेथड्स रन करूँ मैं, उसके एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं आप लोग को एक मेथड रन करके दिखाता हूँ, मैं प्रिंट डिटेल्स को रन करके दिखाता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पर करंट डॉट प्रिंट डिटेल्स, और करंट डॉट प्रिंट डिटेल्स क्या कर रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ, रिटर्न कर रहा है प्रिंट नहीं कर रहा है। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर लिखता हूँ डीट इज इक्वल टू, यानी कि डिटेल्स इज इक्वल टू करंट डॉट प्रिंट डिटेल्स, और उसके बाद मैं करूँगा प्रिंट डीट, यानी कि डिटेल्स को कर दो प्रिंट। अब मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूँगा तो कह रहा है नेम इज़ करण, सैलरी इज़ 8,999 एंड रोल इज़ कूल प्रोग्रामर। तो यहाँ पर क्या है कि हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई थी एम्प्लॉई, उसके बाद हम लोगों ने क्लास बनाई थी एक प्लेयर, फिर हमने कहा कि एक ऐसा इंसान हो सकता है जो ये एम्प्लॉई भी है प्लेयर भी है, तो एक एम्प्लॉई और प्लेयर जो कि दोनों हैं वो एक कूल प्रोग्रामर है। और मैं इसमें जो है इसके अपने नए वेरिएबल्स भी डाल सकता हूँ, जैसे मान लो मैं डाल दूँ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, लैंग्वेजेस में मान लो लैंग्वेज डालता हूँ, मान लो एक ही लैंग्वेज में कोड करता है प्रोग्रामर, तो मान लो मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस लिख देता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पर सी प्लस प्लस लिखूँगा तब होगा क्या कि मेरे पास सी प्लस प्लस यहाँ पर लैंग्वेज में आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक नया फंक्शन भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि प्रिंट लैंग्वेज, मैं एक डेफ प्रिंट लैंग्वेज नाम का, प्रिंट लैंग्वेज नाम का एक मेथड बना सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रिटर्न नहीं करूँगा, मैं प्रिंट कर दूँगा लैंग्वेज। अब मैं रिटर्न कर रहा हूँ कोई चीज़, सॉरी मैं सेल्फ डॉट लैंग्वेज को करूँगा, सेल्फ डॉट लैंग्वेज को मैं प्रिंट करूँगा। अब मैं करण के अंदर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर करण डॉट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट लैंग्वेज, प्रिंट डिटेल्स नहीं यार, प्रिंट लैंग्वेज। तो मैं प्रिंट लैंग्वेज जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर जो करण का प्रिंट लैंग्वेज है सी प्लस प्लस यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने एक क्लास को इनहेरिट किया हुआ है दो क्लासेस से, तो मेरे पास ताकत आ जाती है, इस क्लास के सारे मेथड्स आ जाते हैं मेरे पास, इस क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। अगर मैं एक ही नाम से एट्रीब्यूट देता हूँ, जैसे कि मैंने नेम दिया था, तो नेम वो कौन सा वाला लेगा, मेरा एम्प्लॉई का लेगा या फिर वो प्लेयर का लेगा, अगर कोई भी ऐसा वेरिएबल है जो कि मैं सेट करता हूँ। जैसे मैंने नंबर ऑफ गेम्स यहाँ पर 4 सेट किया था, अब मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ गेम्स नाम का एक वेरिएबल 4 बनाया हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ वार नाम से, तो वार इज इक्वल टू मैं 8 कर देता हूँ यहाँ पर, और इसमें मैं कर देता हूँ वार इज इक्वल टू 9, और मैं कूल प्रोग्रामर में कर देता हूँ वेयर इज इक्वल टू 10। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ, मैंने जितने भी प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाए हुए हैं मैं उनको यहाँ पर कमेंट आउट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रिंट करूँगा करण डॉट वेयर को, मैं करण डॉट वेयर को अगर प्रिंट करूँगा तो ऑब्वियसली बात है करण का वेयर आ जाएगा जो कि 10 है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं होता वेयर तब क्या प्रिंट होता, मैं इसको हटा दूँ अगर तब क्या होगा, तो कहाँ का वेयर प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा। 8 कहाँ से आया, पहली वाली क्लास का वेयर, पहली वाली क्लास का वेयर प्रिंट होगा गाइस। तो एम्प्लॉई जो है यहाँ पर ये वाला प्रिंट होगा। अगर मैं मान लो इसका ऑर्डर चेंज कर दूँ, मैं प्लेयर कॉमा एम्प्लॉई कर दूँ, मैं एक काम करता हूँ इसका ऑर्डर चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ, प्लेयर कॉमा एम्प्लॉई में कर देता हूँ उसको। अगर मैं इसको प्लेयर कॉमा एम्प्लॉई करके रन करूँ तब क्या होगा, मैंने यहाँ पर जो है प्लेयर कॉमा एम्प्लॉई किया तो कंस्ट्रक्टर ही पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। तो यहाँ पर एरर ये इसलिए थ्रो कर रहा है क्योंकि कंस्ट्रक्टर ही जो है उलट पुलट हो गया इसका, क्योंकि मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, कूल प्रोग्रामर प्लेयर सबसे पहले लिखा है, तो ये प्लेयर के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करेगा। अब क्योंकि प्लेयर का जो कंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट लेता है, नेम और गेम, तो मैं क्या करूँगा इसको सिर्फ दो आर्ग्यूमेंट दूंगा, मैं यहाँ पर जो है इसको क्रिकेट दे दूंगा, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जो है क्रिकेट दे देता हूँ अभी। और कूल प्रोग्रामर जो है करण और क्रिकेट ले रहा है एज एन आर्ग्यूमेंट। अब क्योंकि ये लिस्ट थी मैं इसको लिस्ट बना देता हूँ। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तब आप लोग देखना यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर 9 प्रिंट हो रहा है, पहले 8 प्रिंट हो रहा था अब 9 प्रिंट हो रहा है वैर,
क्योंकि ये उस क्लास का वेयर यूज़ कर रहा है जो क्लास मैंने सबसे पहले लिखी थी। तो अगर मैं कोई भी एट्रीब्यूट या कोई भी मेथड यूज़ कर रहा हूँ, कोई ऐसा एट्रीब्यूट या मेथड जो कि दोनों क्लासेस में है, तो वो कौन सी क्लास का लेगा? जो सबसे पहले लिखी हुई है उसका लेगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग को ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। तो मैं एक बार और समराइज़ कर देता हूँ हमने क्या किया इस वीडियो में। हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखा। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या किया, हमने दो क्लासेस बनाई, एक एम्प्लॉई नाम की क्लास बनाई, एक प्लेयर नाम की क्लास बनाई। अब एम्प्लॉई और प्लेयर नाम क्लास को यूज़ करके हमने एक और क्लास बनाई, कूल प्रोग्रामर। उसमें हमने एक तो लैंग्वेज क्लास वेरिएबल ऐड किया और हमने उसमें एक प्रिंट लैंग्वेज नाम का मेथड बनाया। अब ये जो प्रिंट लैंग्वेज नाम का मेथड बनाया हमने और लैंग्वेज नाम का जो क्लास वेरिएबल बनाया, ये दोनों नए थे, लेकिन इनके साथ साथ कूल प्रोग्रामर को सारे के सारे वेरिएबल्स और मेथड जो कि प्लेयर में मौजूद हैं और एम्प्लॉई में मौजूद हैं, उन दोनों का एक्सेस था। लेकिन अगर कोई ऐसा मेथड या एट्रीब्यूट है जो कि एम्प्लॉई में भी है और प्लेयर में भी है, तब क्या होगा? वो वाला मेथड यूज़ करेगा या फिर वो वाला फंक्शन यूज़ करेगा या एट्रीब्यूट यूज़ करेगा जो कि सबसे पहले लिखी हुई क्लास में है, चाहे वो कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वो क्लास मेथड हो, चाहे वो कोई सा भी मेथड या कोई सा भी एट्रीब्यूट हो। तो मैं आशा करता हूँ यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस कुछ ज़्यादा बड़ा हुआ नहीं है। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब एक क्लास थी, उससे एक क्लास डिराइव हो गई। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब दो क्लासेस थी, उन दोनों क्लासेस को इस्तेमाल करके एक तीसरी क्लास बनाई गई, या फिर ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं जिनको यूज़ करके एक क्लास बनाई जा रही है। जैसे हमने कूल प्रोग्रामर बनाया, हो सकता था हम यहाँ पर 10 और क्लासेस डाल देते तो एकदम जो है कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने बाय एनी चांस अभी तक पाइथन ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, तो आप जाकर एक्सेस कर लें। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, तो यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, और मुझे कमेंट में बताएं किस तरह ये वीडियोज़ और इंप्रूव किए जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।